नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित विसंदा शास्त्री फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। वीडियो आरंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँच पाए। आज मैं आपके हाथ में बनने वाले, उंगलियों पर बनने वाले, फर्स्ट पोर पर बनने वाले कुछ उन चिन्हों की बात करूँगा जो आपके इन पर्वतों का प्रभाव कई गुना बढ़ा देंगे। साहब, कई गुना बढ़ा देंगे अगर उस तरीके के चिन्ह आपके हाथ में पाए जाएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन से चिन्ह होते हैं। सबसे पहले होता है चक्र। चक्र इस प्रकार की आकृति होती है, गोल गोल, ये इसे बोलेंगे हम चक्र। दूसरी हमारी आकृति बनती है शंख, इस प्रकार की आकृति अगर बने तो यह आपकी शंख। इसे बोलेंगे आप शंख। और जो तीसरा जो चिन्ह बनता है उसे बोलते हैं हम सीप। सीप, अब देखिए प्यारे मित्रों, ये सबके सब चिन्ह शुभ नहीं होते हैं। अगर चक्र अधिकतर माना जाता है कि आपके उंगली के फर्स्ट पोर में हो, टॉप में हो, तो यह शुभ माना जाएगा, बहुत शुभ माना जाएगा, इनके फल को बढ़ा देगा। अगर इस पे कोई शुभ चिन्ह है इन पर्वतों पर, तो इनके शुभ प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा। और वहीं शंख है, शंख भी उसी प्रकार का काम करता है। पर जो सीप है, वो सीप साहब आपके पर्वतों पर गलत प्रभाव डालेगा, यह शुभ नहीं माना जाता सीप का चिन्ह। और चक्र भी, सभी प्रकार के चक्र सही नहीं होते। अब चक्र भी आपके हाथ में तीन प्रकार के पाए जाते हैं फर्स्ट पोर में। या तो आपके उंगली के सेंटर में एक चक्र हो, यहाँ पे ये इस प्रकार का चक्र हो बड़ा सा, या फिर कोई चक्र आपका ऊपर बने एकदम टॉप में, या फिर कोई चक्र बने नीचे। हालांकि देखा गया जो नीचे वाला चक्र है यह बहुत कम लोगों के हाथों में पाया जाता है, बहुत कम लोगों के हाथों में पाया जाता है। चलो इनका हम प्रभाव जान लेते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में सिर्फ एक चक्र हो, सेंटर में इस प्रकार का कोई चक्र पाया जाए, ये अगर किसी भी उंगली के फर्स्ट पोर में इस प्रकार का चक्र पाया गया है टॉप में, तो आप ये समझिए इससे संबंधित सभी गुणों को कई गुना बढ़ा देगा, कई गुना बढ़ा देगा साहब, कई गुना बढ़ा देगा। अगर सपोज मैं अगर मानूं तो कोई चक्र आपके बन जाए सपोज शुक्र पर्वत पर, शुक्र पर्वत पर कोई चक्र बने, शुक्र पर्वत पर अंगूठे पर टॉप पर कोई चिन्ह बने चक्र का, तो आप ये समझिए इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार के व्यक्ति को कभी कभी देखा गया है, अगर ये थोड़ा सा यहाँ अंदर गड्ढा हो, यहाँ पर चक्र बना हो, वो प्रभाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर कभी कभी इसके जो डिमेरिट्स जो आपको दिखेंगे वो यह होंगे कि इस प्रकार के व्यक्ति में एकांत में रहने की आदत हो जाएगी, मित्र कम होंगे। जो तीन चार मित्र होंगे पर उनसे अच्छी बॉन्डिंग होगी। अगर यहाँ पर गड्ढा नहीं है अंदर की साइड, शुक्र पर्वत पूरा उठा हुआ है, तो शुभ प्रभाव तो तब भी देगा अगर गड्ढे होंगे। तो सिर्फ दो डिमेरिट्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, पर अगर ये सब सही है तो इस प्रकार के व्यक्ति में कई दोस्त होंगे साहब, उनके अंदर सौंदर्य बहुत अच्छा होगा, सौंदर्य की तारीफ होगी, आत्मीयता सौंदर्य होगा उनके अंदर, आत्मा शुद्ध, किसी के खिलाफ कभी बुरा नहीं सोचेंगे इस प्रकार के व्यक्ति। और इस प्रकार के व्यक्ति के अनेक मित्र होंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, घर अच्छा होगा, अच्छा घर होगा, बड़ा घर होगा, एक ही होगा पर बहुत अच्छा घर होगा। और इस प्रकार के व्यक्ति के देखा गया है जो अपोजिट सेक्स है, अपोजिट जेंडर है, उसके प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ जाता है।
यानी कि बोलेंगे कि आकर्षण कई गुना बढ़ जाएगा। नए नए रिलेशन में आएंगे ऐसे व्यक्ति, और कभी कभी देखा गया इस प्रकार के व्यक्ति का एक रिलेशन होगा और वो बहुत अच्छा होगा, और कभी कभी ये भी देखा गया है वह व्यक्ति अपने जो किसी के साथ प्रेम प्रसंग है उसको जाहिर नहीं कर सकता, वो उसे अगर पसंद करेगा वो बोल नहीं सकता, बोलेगा नहीं साहब। ऐसा भी इन व्यक्तियों के हाथ में देखा गया, अगर सिर्फ अंगूठे में आपका चक्र हो और कहीं नहीं चक्र हो। जिस व्यक्ति के अंगूठे में सिर्फ एक ही चक्र हो और सब में शंख हो, तो इसके बारे में भी आगे बताता हूँ, अगर जिस व्यक्ति के इसमें चक्र हो तो इसका प्रभाव बढ़ा देगा। गुरु पर्वत पर चक्र हो, गुरु पर्वत वाली उंगली पर चक्र हो तो इसका प्रभाव बढ़ा देगा। अगर शनि पर्वत पर हो इसका प्रभाव बढ़ा देगा, गुरु सूर्य पर्वत वाली उंगली पर हो तो इसका प्रभाव बढ़ा देगा, और सबसे छोटी वाली उंगली पर हो इसका प्रभाव बढ़ा देगा। अगर इस प्रकार का चक्र आपके सबसे छोटी उंगली में पाया जाए तो यह व्यक्ति बुद्ध रेखा की उंगली और देखें यह फर्स्ट पोर से, ऐसे में देखूं तो अगर ये फर्स्ट पोर से नीचे आ रहा है, अगर ये फर्स्ट पोर से ऐसे ऊपर चले जाए, अगर यहां तक पहुंच जाए तो आप यह समझिए यह सूर्य पर्वत के प्रभाव को और बुद्ध पर्वत के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा साहब, कई गुना बढ़ा देगा। इस व्यक्ति का मान सम्मान, व्यवहार, व्यवसाय, बिजनेस और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलने वाली है, आप यह लिख लीजिए। हाँ, अगर यह चक्र आपके नीचे हो, नीचे पाया गया हो, अगर यह चक्र आपके यहाँ पर हो, नीचे की साइड हो, इस प्रकार से नीचे की तरफ बने, अगर बीच में चक्र बने और ऊपर चक्र बने, बीच में और ऊपर, बीच में और ऊपर, बीच में और ऊपर, बीच में और ऊपर, तो आप यह समझिए यह प्रभाव सेम देगा। अगर यह चक्र आपके नीचे बन जाए, तीन प्रकार के चक्र बताया ना, तीन जगह कहाँ कहाँ बनेगा, अगर सबसे नीचे बन जाए, या वैसे बहुत कम लोगों के हाथ में देखा गया है, अगर नीचे बन जाए तो यह प्रभाव को अपना थोड़ा सा कम कर देगा। जितना प्रभाव देना चाहिए, जितना असर आपके पर्वत को बढ़ाएगा, उतना प्रभाव ये आपके पर्वतों पर देगा नहीं। इस प्रकार का चक्र। और वहीं अगर मैं देखूं आपके हाथ में साफ शंख बन जाए, शंख बन जाए आपके हाथ में यहां पे, आपके हाथ में शंख बन जाए यहां पे इन पर्वतों पर, तो शंख भी असर बढ़ा देगा। और शंख एक काम और करेगा कि आपको क्या करेगा, शंख आपको साहब बहुत ज्यादा वो बना देगा, प्रभाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर मान प्रतिष्ठित बना देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला। कई लोग सुनेंगे आपको, आप किसी संसद में या किसी लेक्चर में दे रहे हैं तो आपको लोग ध्यान से सुनेंगे साहब, आपकी बातों को मानेंगे। अगर यह शंख आपके हाथों में पाए जा गए, आपके हाथ में अगर मैं मानूं, अगर 9 शंख हो और एक चक्र हो, सपोज एक चक्र हो 9 शंख हो, तो आपको मैं बता दूं आपका दबदबा रहेगा, आपको सुनेंगे लोग, समझेंगे, आपका मान सम्मान होगा, ख्याति होगी, देश विदेश तक ख्याति होती है शंख वालों की। और आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा जिन व्यक्तियों के अंगुलियों में 10 चक्र होते हैं उसका चक्रवर्ती राजा तो वो होगा नहीं आज के टाइम में, हाँ पर ये होगा धन धान्य बहुत अच्छा होगा। और आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी 10 की 10 उंगलियों में चक्र होते हैं पर वो आदमी गरीब होता है साहब, उतना पैसा नहीं होता, तो आप ये समझिए उस कंडीशन में क्या होगा, उस व्यक्ति संतोषजनक होगा, संतुष्टि होगी, संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। वह भी एक अच्छी बात है ना, आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, दुख तकलीफ वो अलग बात हो, दुख तो है ना। अगर आपके 10-10 उंगलियों में चक्र है और आपको व्यक्ति राजा समान न दिखे, पैसे में कमी दिखे, तो आप ये समझिए उस व्यक्ति के अंदर संतोष होगा, संतुष्ट होगा, वो जितना उसके पास है संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, मजे से खाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी उसको अपने जीवन में किसी चीज को लेकर। और वहीं अगर मैं बोलूं किसी के हाथ में एक चक्र 9 शंख हो तो यह शंख का प्रभाव बढ़ाएगा, पर हाँ यह है कि चक्र
से थोड़ा संघ थोड़ा सा कम माना जाता है, पर हाँ ये है कि चक्र आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा जरूर। और इस चीज में आप देखिए, अगर चक्र आपके सिर्फ अंगूठे में है और पर्वत में अगर मानू तो शंख बन रहा है सब में, तो आप यह मान लीजिए आपके शुक्र पर्वत से रिलेटेड जो आपके गुण हैं वो बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा उभर के आएंगे आपके जीवन में। शुक्र पर्वत से रिलेटेड जो गुण हैं उनको लेके आपके मान सम्मान बनेगी, प्रतिष्ठा बनेगी, अगर आपके अंगूठे में चक्र है और नौ उंगलियों में क्या है, शंख है। थोड़ा लेट में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, पर मिलेगी जरूर, जानेंगे आपको लोग जरूर। और वहीं नौ चक्र हो, एक शंख हो, किसी भी उंगली में शंख हो और नौ चक्र हो, तो आप यह समझिए उस व्यक्ति के पास ख्याति पैसा होगा ही होगा जरूर। अब यहां आप लोगों ने सुना होगा कि 10 चक्र शुभ माने जाते हैं, शुभ एक चक्र भी शुभ माना जाता है, पर उसकी स्थिति देखनी पड़ती है कि वो कहाँ है और नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है, बीच में बन रहा है। अगर नीचे बन रहा है तो अपना प्रभाव कम करेगा, ऊपर और बीच में बनेगा तो अपना प्रभाव कई गुना बढ़ा देगा, आप यह मान के लीजिए। तो आप यह मान लीजिए जिसके हाथ में एक चक्र, नौ शंख, मान सम्मान प्रतिष्ठा, जिस उंगली में चक्र होगा उसके गुणों से रिलेटेड आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा सफलता मिलेगी, यह 100% तय है, 100% यह तय है। और वहीं अगर आपके हाथ में 10 चक्र या 9 चक्र बन जाए, 10 चक्र बन जाए, 9 चक्र बन जाए, तो अगर आपको व्यक्ति अमीर नहीं दिख रहा हो तो संतोषजनक होगा, संतुष्ट होगा। और 9 शंख में या 5, 7, 8 शंख में, 9 और 8 शंख में आपको यह तय है कि प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान आपको मिलेगा जरूर, बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलेगा जरूर। और वहीं अगर मैं सीप का निशान ले लूं, अगर मानू मैं सीप का निशान ले लेता हूं, सीप का निशान अगर मैं ले लूं आपके इस पर्वत पर, यहां पे अंगूठे पर सीप ले लूं मैं, इस प्रकार बने सीप, तो आप ये समझिए अंगूठे में अगर इस प्रकार से सीप बने तो साहब मुसीबतें तो होंगी। इसका जो इस संबंधित जो देखेंगे पर्वत के गुण है, शुक्र संबंधित पर्वत के गुण, वो बहुत कम मिलेंगे आपको, उनमें कमी होगी, सौंदर्य आपका अच्छा नहीं होगा। अब हो किसी के साथ हो कि वह शुक्र अच्छा हो और यहाँ पे ये पाया गया, पर अधिकतर यह होता है कि अगर आपके अंगूठे में सबसे पहले वाले भाग में अगर सीप बन रहा हो तो आपका पर्वत कमजोर ही होगा, आप लिख के ले लीजिए। कभी कभी ये देखा गया है कि आपके पर्वत कमजोर हैं, पर्वत थोड़ा सा बैठा हुआ है, पर शंख और चक्र पाए जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, आपके गुणों में जो गलत जो कम असर देंगे वो पर्वत, उनके असर को थोड़ा बढ़ा देगा, थोड़ा बढ़ा के आपको फल मिलेगा उन पर्वतों पर बनने वाले शुभ चिन्हों का। और यह चिन्ह अगर बने तो आप यह मान लीजिए यह चिन्ह व्यक्ति के पर्वत को भी डिफाइन करेगा साहब। अगर यह पर्वत आपके हाथ में बने, शिव का हाथ, शिव का चिन्ह जिस अंगुली में बने, उंगली में बने पहले पोर पर, तो आप देखेंगे कि वो पर्वत दबा होगा या भ्रष्ट होगा या खराब चिन्ह उसमें होंगे, यह मान लीजिए। और आशा करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी परेशानी, क्वेरीज होती हैं या आपको अपना पाम रीड कराना हो तो आप नीचे दी हुई ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से दोबारा निवेदन करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। इसी के साथ साथ आप लोगों से आज्ञा लेता हूं, भगवान आप सभी का भला करे। ओम इष्ट दिवाय नमः, जय देवी विंध्यवासिनी।